कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पापा मुकुंसा एकादशी के बारे में। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा मुकुंसा एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो फल मनुष्य को कठिन तपस्याओं के द्वारा प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख भोगने नहीं पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण व ध्यान किसी भी रूप में सुखदायक एवं पापनाशक। पापा मुकुंसा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान एवं गलत संगतियों के पाप कर्मों में व्यतीत हुआ था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत उसके पास आए और बोले कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हुआ और वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यह बात सुनने पर महर्षि अंगिरा ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा मुकुंसा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। पापा मुकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण एवं कीर्तन सभी क्लेशों तथा पापों का नाश कर देता है। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार जब पहेलिए ने यह व्रत का पालन किया तो वह अपने सारे पापों से मुक्त हो गया और भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जब यमराज के यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिए को बिना लिए ही यमलोक को वापस चले गए। हरे कृष्णा।